नमस्कार दोस्तों, साल का तीसरा महीना है मार्च, और इस महीने में मौसम भी करवट बदलता है। और कहते हैं कि हर मौसम का हमारे स्वभाव पर भी कुछ न कुछ असर देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मार्च के महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनमें क्या गुण देखने को मिलते हैं और कौन सी कमियां उनमें हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मार्च के महीने में आपका जन्म हुआ है तो आप काफी स्मार्ट होंगे, आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। इस महीने में जन्मे लोग स्पष्ट होते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने स्पष्टता से रखते हैं, इसलिए लोग इनको पसंद भी करते हैं। इसके साथ ही इस महीने में जन्मे लोगों को ऊर्जावान भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों, स्वभाव से ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका व्यवहार मिलनसार होता है, ये घुलने मिलने वाले होते हैं और सामाजिक स्तर पर काफ़ी एक्टिव होते हैं। इस महीने में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके कई दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले ये माने जाते हैं। ये जिस भी सभा में होते हैं अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि इस महीने में जन्मे लोग कई बार ओवर एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि कहीं बैठे हुए हैं तो आवश्यकता से अधिक बोल रहे हैं, लेकिन ये गुण ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में देखने को मिलता है जो मार्च में पैदा होते हैं। यानी कि अगर आप 15 से 25 साल के बीच के हैं तो ये गुण आप में ज़्यादा होगा, लेकिन वक्त के बढ़ने के साथ साथ आप में मैच्योरिटी आ जाती है। आइए अब जानते हैं कि करियर के क्षेत्र में इनको कैसे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि इस महीने में जन्मे लोग काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, इसलिए सेना या पुलिस में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही खेल के मैदानों में भी इनको उन्नति मिलती है, राजनीति के क्षेत्र में भी ये अव्वल होते हैं और अपनी बोलने की कला के कारण मीडिया में भी ये सफल हो सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में मार्च में जन्म लेने वाले लोग करियर बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं उनके शौक क्या होते हैं, हॉबियां क्या होती हैं। तो मार्च में जन्म लेने वाले लोग घूमने फिरने वाले माने जाते हैं, यानी कि ये घूमना पसंद करते हैं, खेलने का भी इनको शौक होता है और साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी ये अव्वल देखे जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं उनमें क्या कमियां देखने को मिल सकती हैं। तो इनकी सबसे बड़ी कमी होती है जल्दबाजी, ये हर काम को जल्दबाजी में करना चाहते हैं और इसी वजह से इनके कई काम बिगड़ भी सकते हैं। दूसरा अवगुण इनका गुस्सा, इन पर गुस्सा हावी हो गया तो ये अपने माँ बाप के साथ भी बहसबाजी करने से नहीं चूकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा काम करते हैं और आपका मार्च के महीने में जन्म हुआ है तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग मार्च के महीने में पैदा होते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे लोगों को योग ध्यान करने का भी शौक हो सकता है और ये आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये भी उनका एक गुण है जो इनको लोगों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।